Hello everyone, today we are starting the third section of the chapter Physical Feature of India, that is Peninsular Plateau. इससे पहले हम Northern Mountain और Northern Plain के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं. Okay, तो आइए हम अब Peninsular Plateau के बारे में देखें और जानने की कोशिश करते हैं. Peninsular Plateau एक टेबल लैंड है जो कि ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशन रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है. इसका फॉर्मेशन गोंडवाना लैंड और खसकने से हुआ है, इसी कारण इसे वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लैंडमास में गिना जाता है. जो गोंडवाना लैंड था उसके टूटने और खसकना ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग से यह फॉर्मेशन हुआ है. यह प्लेटू ब्रॉड और सॉलो वैलीज और राउंडेड हिल से भरी हुई है. ओके, यहाँ की जो वैलीज है वो बहुत ही ब्रॉड और सॉलो है. इसके अलावा जो हिल्स है वो राउंडेड है. जैसे हमने हिमालयन माउंटेन की या हिमालयन जो माउंटेन रेंज है उसके पिक्स देखे हैं तो वो नुकीले होते हैं, पर इसके राउंडेड है. इस प्लेटू को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है सेंट्रल हाइलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेटू. ओके, तो पेनिनसुलर प्लेटू का जो पार्ट नर्मदा नदी के नॉर्थ में आता है, जो कि मालवा प्लेटू का एक मेजर हिस्सा है, उसे सेंट्रल हाइलैंड के नाम से जाना जाता है. ओके, तो नॉर्थ पार्ट नर्मदा नदी का जो नॉर्थ पार्ट का जो प्लेटू है, जिसे मालवा प्लेटू या मेजर मालवा प्लेटू का हिस्सा जिस प्लेटू के पार्ट में आता है उसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं. विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज और साउथ में अरावली जो कि नॉर्थ वेस्ट तक फैला हुआ है, इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस में से एक है इस सेंट्रल हाईलैंड के. यह सेंट्रल हाईलैंड वेस्टवर्ड मतलब वेस्ट के हिस्सों तक भी एक्सटेंडेड है, जो कि सैंड और रॉक डेजर्ट राजस्थान में पाए जाते हैं वहाँ तक ये प्लेटू फैला हुआ है. राजस्थान के जो रॉक डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट है, वहाँ तक ये प्लेटू का विस्तार है. इसके अलावा यहाँ पे कुछ बड़ी नदियाँ भी देखने को मिलती है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन, जो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्लोप में बहती है. सेंट्रल हाईलैंड एक वाइडर, जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट साइड में वाइडर है और ईस्ट साइड में नैरो होता हुआ चला जाता है. ठीक है, ईस्टवर्ड का जो एक्सटेंट है इस प्लेटू का, उसे लोकल लैंग्वेज में बुंदेलखंड या बघेल खंड के नाम से जाना जाता है. ये उनका लोकल नेम है. इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटू जो ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट के डायरेक्शन तक एक्सटेंट हुआ है, जो कि दामोदर रिवर के ड्रेनेज पे आके ख़त्म हो जाता है. यह फर्स्ट सेक्शन था सेंट्रल हाईलैंड पेनिनसुलर प्लेटू का. अब हम दूसरा जो पार्ट है डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक ट्रायंगुलर लैंडमास है और नर्मदा नदी के साउथ में सिचुएटेड है. नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड और साउथ में डेक्कन प्लेटू. तो हम ये मान सकते हैं कि नर्मदा जो नदी है, जो एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, वो पेनिनसुलर प्लेटू को दो हिस्सों में बांट देती है. नॉर्थ का हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड और साउथ का हिस्सा डेक्कन प्लेटू. इसमें जो माउंटेन रेंज पाए जाते हैं वह है सतपुड़ा रेंज, जो कि एक ब्रॉड बेस रखता है नॉर्थ में. इसके अलावा महादेव हिल, कैमूर हिल और मैकाल रेंज ईस्टर्न एक्सटेंस तक फैला हुआ है. डेक्कन प्लेटू वेस्ट
साइड में हायर है और ईस्ट वर्ड में पहुँचते तक वो जेंटल स्लोप से भर जाता है। मतलब वेस्ट साइड में इसकी रेंजेस जो है डेक्कन प्लेटू की, वो जो रेंजेस बोल रहा हूँ डेक्कन प्लेटू की हाइट जो है वो वेस्ट में ज़्यादा है और ईस्ट में ज़्यादा जाते हैं वो हल्का नीचे आने लग जाता है। ओके, इसका जो एक्सटेंशन है प्लेटू का वो विजिबल है ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में, जिसे लोकल लैंग्वेज में मेघालय, कर्बी अलोंग प्लेटू और नॉर्थ में कर्चा हिल के नाम से जाना जाता है, जो कि एक छोटे नैरो सॉलो वैली से सेपरेट है छोटा नागपुर प्लेटू से। यहाँ की जो प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं जो वेस्ट टू ईस्ट तक फैली हुई है वह है गोरा, खासी और जयंतई हिल। अगला जो इस इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस पेनिनसुलर प्लेटू का वह है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। जैसे कि इनके नाम है ये डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न और ईस्टर्न हिस्से में मौजूद है, इसी कारण ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट जो है वो पैलर है वेस्टर्न कोस्ट से। इसके अलावा ये कंटिन्यूस क्रॉस्ड और एक पासवे बनाता है वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न घाट से। इसे यहाँ पे थोल, बोर और पाल घाट इम्पॉर्टेंट घाट में से गिने जाते हैं। वेस्टर्न घाट जो है वो हायर है ईस्टर्न घाट के मुकाबले। इसकी हाइट जो देखी गई है वो 900 मीटर से 600 मीटर तक फैली हुई है, जबकि ईस्टर्न घाट सिर्फ 600 मीटर तक ही ऊंचा देखा गया है, 600 मीटर तक ही ऊंचा देखा गया है। ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली से स्ट्रेच्ड होते हुए नीलगिरी जो पर्वत रेंज है साउथ में वहाँ तक फैला हुआ है। ईस्टर्न घाट कई जगह डिसकंटिन्यूटी का सामना करता है, इरेगुलरिटी से भरा हुआ है, मतलब कहीं कहीं टूटा हुआ है, कहीं कम है। इसका मेन कारण है यहाँ का रिवर ड्रेनेज सिस्टम जो कि बे ऑफ बंगाल से जाके मिलता है। वेस्टर्न घाट जो है वो ओरोग्राफिक रेन के लिए फेमस है। यहाँ पर आए दिन पहाड़ी वर्षा होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ की मॉइस्ट विंड जो कि वेस्टर्न स्लोप घाट से क्रिएट होती है और यहाँ पे आए दिन बारिश होती है। वेस्टर्न घाट को अलग अलग नाम से लोकल लैंग्वेज में या लोकल नेम से बुलाया जाता है। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट की हाइट है वो नॉर्थ से साउथ तक इंक्रीज्ड होती है असेंडिंग ऑर्डर में। नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसकी हाइट धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ती है। इसके कुछ हाईएस्ट पीक हैं अनई मुंडी 2695 मीटर, दोदा बेटा 2637 मीटर और महेंद्रगिरी 1501 मीटर। कुछ हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट के। इसके अलावा शेवरी हिल्स, जवदेवी हिल्स और भी बहुत से हिल्स हैं जो साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट में लोकेटेड हैं। कुछ फेमस हिल स्टेशन भी हमें ईस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं, जैसे उदामंडलम जिसे पॉपुलरली ऊटी के नाम से जाना जाता है और कोडई के नाम। इस पेनिनसुलर प्लेटू का एक और डिस्टिंक फीचर, इम्पॉर्टेंट फीचर है, वह है ब्लैक सॉइल, जिसे डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। यह डेक्कन ट्रैप, यह ब्लैक सॉइल वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है।
इस वॉल्केनिक इरप्शन में रॉक और इग्नीशियस जो रॉक है वो पूरी तरीके से लावा में, मॉल्टन लावा में क्रिएट होते हैं और उसके ठंडे होने पर, टूटने पर और नदी के जो प्रवाह है उससे बिखरने पर ये ब्लैक सॉइल क्रिएट करता है। तो इसी कारण ये फॉर्मेशन कई लंबे समय के बाद हुआ फॉर्मेशन है। ये सॉइल उतनी जल्दी नहीं बना जितने जल्दी हिमालयन रिवर के जो एलुवियली सॉइल्स हैं उसके डिपोजिशन से जो एलुवियली सॉइल्स बनती है वो उससे ज़्यादा लंबी प्रोसेस इस ब्लैक सॉइल की है। इसके अलावा अरावली जो हिल है जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न वेस्टर्न माइग्रेन है पेनिनसुलर प्लेटू की, तो अरावली हिल जो है वो वेस्टर्न और नॉर्दर्न वेस्टर्न पेनिनसुलर प्लेटू की लास्ट हिल्स में से गिनी जाती है। इसके अलावा हाई इरोइड हिल्स जो कि मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न घाट में जो ब्रोकन हिल्स के नाम से जानी जाती है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा गुजरात और दिल्ली में जो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक ये एक्सटेंड हमको पेनिनसुलर प्लेटू का देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट ये पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।